नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रीन क्रेमेटोरियम के बारे में। ग्रीन क्रेमेटोरियम का मतलब होता है कि हरित शवदाग्रह। कल हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली शहर में 4 ऐसे हरित शवदाग्रह इनॉग्रेट किए हैं और इनका क्या फायदा है, किसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन पर, किसने इसे डेवलप किया है, और जो दिल्ली का पॉल्यूशन रिलेटेड जो टॉपिक है, जो सदाबहार टॉपिक बन चुका है पिछले 4-5 सालों से, उसमें आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल जाएगा मेंस में आंसर लिखने के लिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस ली जाती हैं डेली इन एजुकेटर्स के द्वारा, तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, दैट इज फ्री क्लासेस, और उस क्लास को देखने के लिए आपको मेरा कोड महिपाल यूज करना है। तो जस्ट यूज माई नेम एज द अनलॉक कोड और आप कई सारे लाइव क्विजेज हैं, टेस्ट हैं, इस तरह के फीचर्स को अनलॉक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप एक सब्सक्रिप्शन परचेस करें। दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर भी मिलेंगे। मेंटोर क्या करेंगे, आपको डे टू डे गाइड करेंगे और आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। बेसिकली आपको गाइडेंस मिलेगी, जो गाइडेंस आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, मान लो आपका कोई सीनियर या भाई बहन किसी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, तो दे कैन गाइड यू एज मेंटोर्स। लेकिन ये वो मेंटोर्स हैं जिन्होंने मेंस एग्जाम को क्लियर किया है, तो इनकी मेंटोरशिप थोड़ी सी और सटीक और स्ट्रैटेजिक होगी। अब ये सारे कोर्सेज अगर आप लेना चाहें, इनमें से कोई भी कोर्स, तो आपको ये वाले प्राइसेस पे नहीं करने हैं। यूज द कोड महिपाल एंड गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट, ये प्राइसेस उसके बाद आपको पे करने होंगे। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। अगेन ऑप्शनल और जीएस का कंबाइंड कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको प्राइस का बेनिफिट मिलेगा, ये प्राइस भी पे नहीं करनी है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन सबके सब्सक्रिप्शन प्लान्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट एंड पे दिस प्राइस, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाले आपको पे नहीं करने हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के निगम बोध घाट पर 4 ग्रीन क्रेमेटोरियम को इंस्टॉल किया गया, इनॉग्रेट किया गया हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अब ये जो शवदाग्रह है या फिर ये ग्रीन क्रेमेटोरिया है, ये किसने डेवलप किए हैं, इनको डेवलप किया गया है CSIR नीरी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखना है। CSIR नीरी जो है ये CSIR ग्रुप के अंडर में जितनी भी लैब्स आती हैं उनमें से एक लैब है। इसकी स्थापना नागपुर में करी गई थी 1958 में। इसका ओरिजिनल नाम था सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CPHERI, बाद में इसका नाम बदलकर नीरी कर दिया गया, ठीक है। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस तरह के यहाँ पर इंजीनियर किए जाते हैं प्रोडक्ट्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आए। और इसी के तहत ये वाटर सप्लाई पर काफ़ी काम करते हैं। नीरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए इस तरह के बहुत सारे इन्होंने सिंपल उपकरण बनाए हैं। सीवेज डिस्पोजल में इनका काफ़ी रिसर्च रहा है, कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे कम करें, और ये दोनों लिंक्ड ही हैं, कम्युनिकेबल डिजीज और सीवेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस को भी कम करने के लिए इन्होंने कई प्रकार के उपकरण डिज़ाइन किए हैं। तो नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर में स्थित है इसका जो मेन इंस्टीट्यूट का कैंपस है, लेकिन इसके 5 जोनल लेबोरेटरीज भी हैं। तो चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में इसकी जोनल लैब्स आपको देखने को मिलेंगी। नीरी किसके अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन, क्योंकि सारे CSIR की जो लैब्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करते हैं। और नीरी भारत के परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम का एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत सरकार ने ये प्लान लागू किया था, क्यों, क्योंकि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को कम किया जाए, ये एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और इनको कम करने के लिए नीरी इस तरह के उपकरण बनाना चाहता है जो इस तरह के ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को कम करें, और इसी क्रम में इन्होंने ये ग्रीन क्रेमेटोरिया डिजाइन किए हैं। तो 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 122 शहर ऐसे हैं जो एयर पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। भारत में 122 शहर हैं। इनफैक्ट आमतौर पर दिल्ली में मार्च में AQI थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इस बार 2021 में तो जो आप अगर डेटा देखेंगे, सफ़र का ऐप आती है, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली में अभी मार्च के महीने में भी पोल्यूशन काफ़ी हाई है। जनरली फरवरी तक रहता है, जनवरी फरवरी में तो होता ही है, बट इस बार मार्च तक पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी हाई हैं। कुछ दिन पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने यह बयान भी दिया था कि जो एम्बियंट एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये कोविड के स्प्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एरोसोल पोल्यूशन होता है, एरोसोल के माध्यम से कोविड फैलता है, और इसमें पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इसकी मदद कर रहे हैं। 2021 का जो हमारा बजट था उसमें भी इस ओर ध्यान दिया गया था कि एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। तो एम्बियंट एयर पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो शवों को जलाने वाला कारण भी है।
दिल्ली में 56 ट्रेडिशनल क्रेमेशन ग्राउंड्स हैं, और दिल्ली में एवरेज मैं आपको बताता हूँ, जो दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट आती है आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे 2017 की रिपोर्ट में एवरेज 373 लोगों की मौत डेली होती है, अब मान लो वो आंकड़ा बढ़कर 400 के आसपास आ ही गया होगा क्योंकि कोविड के कारण भी काफ़ी डेथ हुई है, तो 400 अप्रॉक्सीमेटली डेड बॉडीज डेली आती हैं दिल्ली में। अब इनमें से मान लो अगर जो जलाने वाली बॉडीज 350 भी हैं, अब हर शव को जलाने में 300 से 400 किलोग्राम लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो इतनी लकड़ी डेली 1,00,000 किलोग्राम के आसपास ये लकड़ी हो गई, इतनी लकड़ी जल रही है, तो ऑब्वियसली इसके कारण एमिशन भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही सोर्स है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द सोर्सेज, और सारे सोर्सेज को मिलाकर ही दिल्ली जैसे शहरों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए CSIR नीरी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसको कहा गया ओपन फायर ग्रीन क्रेमेटोरिया। देखो, जब शवों को जलाया जाता है तो होता क्या है कि एक तो गैस निकलती है, तो पहले उस गैस को प्योरीफाई करने के लिए या फिर उसके अंदर जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको कैच करने के लिए इस तरह के फिल्टर सिस्टम्स लगाए गए हैं जो इस स्मोक को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद पीछे इस तरह का जो मटेरियल बचता है उसमें भी कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं पानी को, और इसीलिए इनको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब क्या है कि इस तरह के सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया आ रहे हैं जहां पर एक तो लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है तो पहले तो ये स्मोक को प्योरीफाई करने के लिए या पर्टिकुलेट मैटर को कैप्चर करने के लिए इस तरह के सिस्टम लगाए जाते थे, लेकिन अब एक नया स्टेप आ रहा है इसमें, और ये नया स्टेप ये है कि ग्रीन क्रेमेटोरिया में लकड़ी का इस्तेमाल ही नहीं होगा, एक तो ये CNG बेस्ड होंगे, और उसके बाद भी जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको भी फिल्टर करके ट्रीट करके फिर आगे डिस्पोज किया जाएगा। तो पहले से एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट्स तो दिल्ली के निगमबोध घाट के कुछ फ्यूनरल पायर्स पर लगी हुई थी, लेकिन अब एक ओपन पायर ग्रीन क्रेमेटोरिया आया है और इसका उद्घाटन अभी किया गया। तो इसमें क्या फीचर्स हैं, एक तो फ्यूम कलेक्शन है, जो धुआं निकलेगा उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद प्रोसेसिंग क्लीनिंग होगी जो भी ये पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, फिर वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करे जाएंगे, स्क्रबिंग सिस्टम है ताकि ये सिस्टम्स क्लीन रहें, इससे क्या होगा कि स्मोक, ऑयल, ग्रीस, हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलेट्स, ये सबका एमिशन कम होगा, और रीसाइक्लिंग और डिस्पोजल जो है स्क्रब लिक्विड्स और सॉलिड, क्योंकि इसको चलाने में भी बहुत सारे लिक्विड सॉलिड्स जो भी आ रहे हैं स्क्रबिंग के टाइम पे, उनको भी रीसाइकल आसानी से किया जा सके, इसके लिए फीचर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो भी गैसेस हैं जो 200 डिग्री से ज़्यादा की हैं उनको एक कैनपी लगाकर, बेसिकली एग्जॉस्ट चिमनी जैसा कुछ लगाकर उसको कैप्चर किया जा रहा है। निगमबोध घाट पर कई COVID-19 पॉजिटिव लोग जिनकी डेथ हुई थी उनके शवों को भी जलाया जाता है, तो उसमें भी कई सारे शुरुआत में इश्यूज थे, तो अब यहाँ पर उसके लिए भी एक स्पेशल व्यवस्था करी गई है, ठीक है, ताकि इन बॉडीज को सेफली जलाया जा सके, डिस्पोज किया जा सके। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो भी वेस्ट लिक्विड होगा उसको भी रिसाइकल किया जाएगा, और रिसाइकल करने के बाद उसको सीवर लाइंस में छोड़ा जाएगा। और ये कौन सा लिक्विड है, इस प्लांट को चलाने में भी, इसको क्लीन करने में, स्क्रबिंग एक्सेट्रा में जो ये लिक्विड्स होंगे इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो नीरी के अनुसार ये जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे सिस्टम लाए गए हैं इस ग्रीन क्रेमेटोरिया में, उनका परफॉर्मेंस कैसा है कि देखो, ये लगभग 60% डस्ट को कैप्चर कर लेते हैं, ऑयल और टारी मटेरियल को भी लगभग 60% यहाँ पर ये कंट्रोल कर लेते हैं, SO2 का रिलीज ऑलमोस्ट 70% तक रोक दिया जाता है, मरकैप्टैंस को ऑलमोस्ट 80% कैप्चर कर लेते हैं, ट्राईमिथाइल अमीन, ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं, तो इनको ये सिस्टम्स कैप्चर कर लेते हैं, इसीलिए ये आगे वातावरण में नहीं जा पाते। अब इस टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं, एक तो इससे रिलीजियस हेरिटेज में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, जो शवों को जलाने का पुराना अंतिम संस्कार का तरीका है वो अनावृत जारी रहेगा। ऑलरेडी कई जगह CNG बेस्ड क्रेमेटोरिया है, लेकिन उनमें भी क्या होता है कि पोल्यूशन जो होता है उसको इस ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से, ग्रीन क्रेमेटोरिया की मदद से रोका जा सकता है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग LPG, CNG या डीजल बेस्ड क्रेमेटोरिया है उनमें इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है, और इससे पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा। और धीरे धीरे CNG बेस्ड क्रेमेटोरिया या शवदाग्रह भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे रिसेंटली 3 और दिल्ली में इस प्रकार के शवदाग्रह बढ़ा दिए गए, ऑलरेडी कुछ चल रहे हैं, अभी 3 और इंस्टॉल किए गए हैं लेटेस्ट जो CNG के बेस पर चलते हैं, उनमें लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सरकार की यहाँ पर यह मंशा है कि इस प्रकार के क्रेमेटोरिया को बड़े स्तर पर देश भर में इंस्टॉल किया जाए, तो हो सकता है कि स्वच्छ भारत या स्वस्थ भारत इनिशिएटिव्स के तहत आप भविष्य में इस तरह के क्रेमेटोरिया को देश के हर राज्य में, देश के हर शहर में इंस्टॉल होते हुए देख सकें। और ये टेक्नोलॉजी केवल ऐसी नहीं है कि क्रेमेटोरिया में इस्तेमाल करी जा सकती है, और भी कई जगह हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि बेकरीज हैं, नमकीन वगैरह बनाने में, खाने पीने की वस्तुएं बनाने में भी कई जगह पोल्यूटेंट्स काफ़ी हैं, जहाँ पर भी लकड़ी जलाई जाती है, इस तरह के हर जगह पर ये वाला सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है, स्पेशली इन द इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको अगर इन लेक्चर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो आप पाथफाइंडर या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। हैव अ ग्रेट डे।